बदायूं हत्याकांड मामले में पुलिस ने अब दूसरे आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर लिया है, जिसको लेकर एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बयान दिया है। वहीं पर आरोपी जावेद को लेकर भी कई तरह की जानकारी दी है। आलोक प्रियदर्शी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी सुनो। जैसे कहने मतलब पुलिस के बना तो बहन के फोन तो निकाल तेरी बहन की चुत तेरी। भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूं। देखो मैं देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हां भाई मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर, मेरा बड़ा भाई था लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है, मोहम्मद जावेद देखा इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, धूप में वो फोटो स्टेट गंदी आई थी। दूसरा वाला ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे उनने क्यों करा, मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक ये ही नहीं पता चला। मैं खुद ये बच्चे मारे भाई, अब वो आपके हाथ में मारो या नहीं। लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम गाली वाली मत देना, ठीक है? आओ इसे चौकी ले चलो। सर किसकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सेटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पुष्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा।